अगले 24 घंटों में और तेज होगा चक्रवात विपर्जॉय। मौसम विभाग का अलर्ट। IMD ने शनिवार को चेतावनी जारी करते हुए चक्रवाती तूफान विपर्जॉय की अगले 24 घंटों में और तेज होने की आशंका जताई है। IMD ने शनिवार को कहा कि बेहद गंभीर चक्रवाती तूफान विपर्जॉय की अगले 24 घंटों में और तेज होने के साथ यह उत्तर उत्तर पूर्व की ओर बढ़ेगा। तूफान का असर बलसार से तीतल तट पर दिखने लगा है। यहां पर समुद्र से ऊंची ऊंची लहरें दिखाई देने लगी है। इसको देखते हुए तीतल तट पर 14 जून तक किसी को भी नहीं जाने की सलाह दी गई है और मछुआरों को अगले 5 दिनों तक वहां न जाने की सलाह दी गई है। स्थानीय प्रशासन ने समुद्र तटों पर बसे गांवों को भी खाली कराने की तैयारियां शुरू कर दी है और गांव के लोगों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में लखनऊ से लेकर नोएडा तक झमाझम बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार उत्तरी हिमालयी क्षेत्र में बना पश्चिमी विक्षोभ 60-70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यूपी की ओर बढ़ रहा है। आंचलिक विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि उत्तरी हिमालयी क्षेत्र से चला पश्चिमी विक्षोभ अगले 4 घंटों में यूपी में प्रवेश कर जाएगा। इन जिलों के लिए जारी किया गया येलो अलर्ट। आंचलिक विज्ञान नगरी लखनऊ के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश के अनुसार बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मैनपुरी, फरुखाबाद, अलीगढ़, हथुरा, हाथरस, हरदोई, कन्नौज, कासगंज, एटा, इटावा, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर, मुजफ्फरनगर, अमरोहा, आगरा, फिरोजाबाद और आसपास के इलाकों में तेज बारिश की संभावना है। मध्य प्रदेश में मौसम का उतार चढ़ाव लगातार बना हुआ है। हालांकि 2-3 दिन से लोग गर्मी से बेहाल है, लेकिन अगले 24 घंटों में मौसम एक बार फिर से करवट लेगा और लोगों को गर्मी से राहत दिलाएगा। दरअसल मौसम विभाग का कहना है कि मानसून की एंट्री से पहले ही प्रदेश में एक बार फिर से 2-2 वेदर सिस्टम एक्टिव हो गए हैं। वहीं वेदर डिस्टर्बेंस जल्द ही मौसम का मिजाज बदलने वाला है। 2-2 सिस्टम एक साथ एक्टिव होने से शनिवार को मुरैना, भिंड, ग्वालियर, छिंदवाड़ा, मंडला, बालाघाट, सिवनी में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं सीहोर, बैतूल, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, धार, देवास में भी मौसम बदलेगा। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार से मंगलवार तक इंदौर, उज्जैन व धार में बादल छाने के साथ वर्षा होने की संभावना है। नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से जबलपुर संभाग के डिंडोरी, छिंदवाड़ा, सिवनी में कहीं कहीं गरज चमक के साथ छींटे पड़ सकते हैं। अगले 24 घंटों में ग्वालियर चंबल संभाग में आंधी और गरज के साथ बारिश हो सकती है। इधर ग्वालियर चंबल संभाग में 15 से 20 जून के बीच मानसून के पहुंचने की संभावना बनी हुई है। राजस्थान में तेज गर्मी का दौर अभी भी जारी है, लेकिन राजस्थान के गर्मी के मौसम में बड़ा बदलाव होने वाला है। राज्य के बीकानेर, जोधपुर, अजमेर और जयपुर संभाग में कुछ भागों में तेज बारिश, आंधी और हल्की से मध्यम स्तर पर बारिश होने की प्रबल संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक 15 जिलों में तेज आंधी के साथ साथ बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग की ओर से बताया जा रहा है, राजस्थान में अब अगले 2 दिन तक तेज धूलभरी आंधी चलेगी। जयपुर, नागौर, अजमेर, दौसा, टोंक, करौली, भरतपुर और बूंदी, अलवर के साथ ही 17 जिलों को प्रभावित करेगी। इस दौरान मध्यम स्तर की बारिश भी हो सकती है। वहीं कई जगहों पर आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। मानसून और चक्रवाती तूफान के बीच कई राज्यों में बारिश का अलर्ट है। एक तरफ जहां तेजी से चक्रवात आगे बढ़ रहा है, तो वहीं मानसून भी नॉर्थ ईस्ट की ओर बढ़ रहा है। अगले 5 दिनों तक नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश होने वाली है। इसके अलावा मणिपुर, मिजोरम में 10 से 12 जून के बीच 3 दिनों तक भारी बरसात होगी। वहीं 8 जून से केरल में मानसून की एंट्री हुई थी, जिसके बाद वहां भारी बारिश हो रही है। केरल, तटीय कर्नाटक में अगले 3 दिनों तक और लक्षद्वीप में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी है। पूर्वी भारत की बात करें तो सब हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 11 से 13 जून को भारी बारिश होगी। वहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर भी 11 जून तक भारी बारिश का अलर्ट है। उत्तराखंड में कल से 4 दिनों तक भारी बारिश। अगले 4 दिनों तक उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की भविष्यवाणी करते हुए IMD ने 11 से 13 जून तक उत्तराखंड के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया। उन्होंने कहा कि 11 जून को उत्तराखंड में अलग अलग स्थानों पर बिजली और तेज हवा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम की हर लेटेस्ट खबर पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें UMB News। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।